हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक परिवार में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो कि हम 20 टॉप क्वेश्चन जो कि अभी अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार इन्हीं क्वेश्चन से DGT एग्जाम में सेकंड ईयर में पूछ रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी भावना को समझें, मुझ पर भरोसा करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 12 नंबर आपको लाने हैं, तो इस वीडियो को चुपचाप ध्यान से देख लें एक या दो बार। अगर आपको आता है तो साथ में कमेंट करना है, नहीं तो आता है तो इसको एक बार देख लेना। और हाँ, आपका साथी है जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है, यह वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करना जिससे कि इस वीडियो लाग वो भी ले सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। और साथियों, दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी यह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा परिवार 1,00,000 के करीब करीब पहुंचने वाला है। कुछ ही सब्सक्राइबर हमारे कम हैं, तो सभी साथियों से निवेदन है हाथ जोड़ के, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को अपने इस परिवार को सपोर्ट नहीं किया, यानी कहने का मतलब ये है सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाई, जल्दी से कर लो। और सितंबर से रेलवे लोको पायलट की हम क्लासें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़ा कुछ करेंगे, ये बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। 1,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे, कुछ ना कुछ हम बड़ा जरूर करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम की, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए पहला क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? A0, A1, A2, A4। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, चलिए जितने भी ट्रेनिंग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे फटाफट। बहुत ही बेहतरीन, भी यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। A0 वाले जितने भी लगा रहे हैं, ए ऑप्शन बहुत शानदार, ए ऑप्शन वाले सभी साथी एकदम धकाधक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये, कौन सी आकृति षष्ठभुज है? ABCD कौन सी? जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट एकदम। षष्ठभुज हमारी कौन सी आकृति है? जो भी साथी इसका आंसर बी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लगा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करिए जल्दी से। चलिए, ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने काफी एनालाइज किया और इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी, काफी मैंने एनालाइज करी तब मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूं। प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए 12 नंबर है। चलिए, रोलर ब्रश कौन सा है बताइए, ABCD कौन सा है कमेंट करिए फटाफट। तीसरे का रोलर ब्रश, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, बी वाले जितने भी साथी लगा रहे हैं बिल्कुल शानदार ऑप्शन हो जाएगा, बी वाले हमारे सभी साथी बढ़िया हो जाएंगे, बी जितने भी लगा रहे हैं बहुत ही शानदार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है पट्टे का वेल्डेड जोड़ का प्रतीक कौन सा है? पट्टे का वेल्डेड जल्दी बताइए कमेंट करिए, ABCD कौन सा है जल्दी कमेंट करेंगे। चौथे नंबर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी करिए फटाफट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बी ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन जितने भी लगा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाइप फिटिंग का नाम क्या है? पाइप फिटिंग का नाम क्या है? ABCD कैंप या कैप कह सकते हैं, एल्बो कपलिंग या प्रिप प्लग, जल्दी कमेंट करिए फटाफट। बहुत ही शानदार तरीके से, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों का आंसर दे रहे हैं मेरे सभी ट्रेनी मेरे प्यारे, बहुत ही बेहतरीन तरीके डी आंसर, बहुत ही शानदार। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन यह रहा, लंबवत तल कौन सा दृश्य प्राप्त करता है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू या फिर राइट साइड व्यू, चलिए कमेंट करिए फटाफट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या बात है। चलिए बहुत शानदार, फ्रंट व्यू जितने लगा रहे हैं बिल्कुल सही, 6 का ए ऑप्शन कितने लोग लगा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक्स अंकित भाग का नाम बताना है, ये एक्स अंकित भाग एक ये है, जल्दी से बताइए इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले बेज स्टॉक हैंडल सॉल क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। 7 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके इसे बोलते हैं बेज, कितने लोग लगा रहे हैं ए ऑप्शन, बहुत ही शानदार गजब, ए ऑप्शन वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो कौन सा है, एल्बो कौन सा, जल्दी भाई ABCD एल्बो हमारा कौन सा है जल्दी कमेंट करिए फटाफट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कमेंट कर रहे हो, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बी ऑप्शन ये हमारा एल्बो का प्रतीक हो जाएगा, ये हमारा एल्बो है, बहुत ही बेहतरीन। 8 × 2 = 16 अगर यहां से दोनों ये क्वेश्चन आते हैं ना क्लियर क्लियर, ये हमारे मोटे मोटे नंबर है, ये छोड़ना नहीं है आप लोगों को, और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना है। चलिए, और वीडियो कैसी लगे कमेंट करके वो भी बताना है, प्रतीक का नाम बताना है, कौन सा प्रतीक है बताओ, SCR है, UJT है, ड्राइग है, ट्राइग है, चलिए बताइए कमेंट करिए ये कौन सा हमारा प्रतीक है, जल्दी से कमेंट करिए। 9 नंबर का कमेंट करिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ चलिए आंसर करिए क्या होगा इसका, बहुत ही बेहतरीन तरीके 9 का, जितने भी हमारे साथी ट्रेनिंग लगा रहे हैं UJT
बी ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स अंकित वाले भाग का बताना है। इसे एक्स अंकित वाले भाग नोलिंग थ्रेड स्लॉट नेक क्या कहते हैं, जल्दी कमेंट करिए फटाफट सभी साथी। 10 नंबर का कमेंट करेंगे, 10 नंबर का कितने लोग लगा रहे हैं, 10 नंबर का बी थ्रेड बिल्कुल सही, ये वाला सही हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस प्रतीक का नाम बताओ ये कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट 11 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर या फिर वाट मीटर क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए 11 नंबर का। कितने लोग ओम मीटर लगा रहे हैं, ओम का ये सी ऑप्शन, कितने लोग लगा रहे हैं सी ऑप्शन, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएन संक्रमण कौन सा है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, बी सी डी कौन सा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे 12 नंबर का, कितने लोग इसका लगाएंगे सही मेरे ट्रेनी, बिल्कुल सही ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर संक्रमण का ए ऑप्शन। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए यूएसबी मेल कनेक्टर कौन सा है, मेल का पूछा है फीमेल का नहीं, मेल पूछा है मेल, मेल कनेक्टर कौन सा होता है, मेल फीमेल आप समझते होगे कौन किस में लगता है, चलिए बताइए अब, ठीक है चलिए बताइए। 13 नंबर का बी ऑप्शन, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके से, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग बी ऑप्शन लगा रहे हो, 13 का बी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साकेट स्पैनर प्रकार की पहचान करें कौन सा है, ए बी सी डी, 12 पॉइंट स्टैंडर्ड या 6 पॉइंट डीप या 6 पॉइंट स्टैंडर्ड, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। 14 का ए हो यानी कि 12 पॉइंट डीप ए ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, सिंगल फेज एसी मोटर सिंबल कौन सा है, सिंगल फेज एसी मोटर का, जल्दी कमेंट करेंगे ए बी सी डी, 15 का सब लोग जल्दी कमेंट करिए, सिंगल फेज का पूछा गया है बताइए कौन सा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके, जल्दी आंसर करिए सभी ट्रेनी एकदम ईमानदारी से, बहुत ही बेहतरीन सी वाले सभी सही, जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं बहुत ही शानदार और गजब आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, उपकरण की पहचान करना है, इस उपकरण को क्या कहते हैं, बताइए इसको स्क्रैपर नाइफ, रोलर ब्रोज, स्प्रेगर या डी एफ टी गेज, क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करिए 16 नंबर का क्या लगा रहे हो, बहुत ही बेहतरीन स्क्रैप नाइफ, बिल्कुल सही ए ऑप्शन वाले हमारे जितने भी ट्रेनी हैं ऐसे जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लगा रहे हो, इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें, बिल्कुल आप पूरा वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा मेरा 17 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नर दिए गए ग्रेड के लिए सामग्री क्या है, कौन सी सामग्री है बताइए, कार्बन स्टील बुझती हुई या फिर मध्य कार्बन स्टील बुझती हुई टेम्पर्ड, कौन सी होती, जल्दी कमेंट करिए 17 नंबर का कमेंट करें। वाह क्या बात है, कार्बन स्टील बहुत ही बेहतरीन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्या बात है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा, परवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक कौन सा है, परवर्ती प्रतिरोध का ए बी सी डी कौन सा होगा, जल्दी से सभी मेरे ट्रानी कमेंट करेंगे 18 नंबर का, चलिए कमेंट करिए फटाफट एकदम, कंजूस ही मत करिए 18 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितने भी ट्रेनी हमारे लगा रहे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, स्नैप हेडेड रिवेट का प्रतीक प्रतिनिधित्व कौन करता है या कौन सा है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या डी, किसका पूछा गया है, स्नैप हेडेड, यह क्वेश्चन अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई हमारी आईटीआई की सेकंड ईयर की उसमें यह चार बार पूछा गया यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे दोस्त, इसको स्किप ना करें, जल्दी कमेंट करिए 19 नंबर का, देखो काफी लोगों ने ए आंसर दिया है, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, बहुत गुड बहुत अच्छे। चलिए आगे देख लेते हैं, बताइए तट रेखा के प्रकार को पहचाने, ये तट रेखाएं हैं जो उसमें बताने कौन सी, खड़ी तट, समतल तट या सर्वेक्षण किया गया तट या फिर चट्टानी तट, जल्दी से कमेंट करें फटाफट इसका, जल्दी से 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा निमिक पीडीएफ जीडीटी की है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार, खड़ी तट, बिल्कुल सही, जितने भी लोग ये आंसर लगा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्या बात है। चलिए और हाँ आप लोग, अब 20 क्वेश्चन मैंने करवाए भी ए आर एस, बिल्कुल सही है ऑप्शन, अब मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, आपका कितना स्कोर हुआ ईमानदारी से कमेंट कर देना अपना नाम, ट्रेड का नाम और आपका जितना भी स्कोर हुआ कमेंट करना मेरे दोस्त सभी लोग, और हाँ जल्दी से इस परिवार को 1,00,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम रेलवे लोको पायलट वैकेंसी के लिए कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज़ आप लोग इसका सहयोग करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, अपने दोस्तों को भी करवाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।